हे बडीज, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया है, और आप लोगों को मैं रिटर्न में एक अच्छा वीडियो ना दूं जिससे आपका कुछ फायदा हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, राइट? इसलिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने इस बार ऐसा मशीन जिसे आप अब घर से ही स्टार्ट कर सकेंगे आपका बिजनेस। छोटा से स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ेगा नहीं। मात्र 10 से 15 हजार रुपया खर्च करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं डोसा बनाने का, जो कि क्लाउड किचन में आप सेल कर पाएंगे। ये क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन के बारे में अगर आप लोगों को ज्यादा जानना है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्लाउड किचन का ऊपर। अगर आप लोगों को क्लाउड किचन के बारे में जानना है तो एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए सी के यानी क्लाउड किचन, ताकि वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले आप लोगों से। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने आलू छीलने वाला मशीन देखा था, पोटैटो पीलर मशीन। अभी मैं आप लोगों के सामने ये मशीन लेके आया हूँ जिससे आप आलू घर पे ही छोटे से बिजनेस के लिए आप छील सकेंगे। आपका मेहनत भी आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये पोटैटो पीलर मशीन जो है, इसमें आपका खासियत तो बहुत है। इसमें आप आराम से आलू छील सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक पोटैटो पीलर मशीन ही है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आपको अलग अलग से एक एक करके ही आपको आलू को छीलना पड़ेगा। एक साथ आप बहुत ज्यादा आलू नहीं छीन सकते हैं, इसमें आलू के छिलके को नहीं निकाल पाएंगे इसमें। इसे खरीद कर आप अपने घर के काम को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, बहुत कम समय में बहुत सारे काम को आप एक साथ कर पाएंगे। ये पोटैटो पीलर मशीन आपके घर के लिए बहुत अच्छा आइडिया है इसे खरीदना। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अभी लेकर आया हूं रिको का रिचार्जेबल चॉपर। ये रिको का रिचार्जेबल चॉपर जो है, आप अपने सब्जी को बहुत कम समय में बहुत फटाफट काट पाएंगे। इससे आप अपना डोसा बनाने का मसाला भी रेडी कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। वेजिटेबल चॉप करने के बाद अपना मसाला तैयार कर लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने के बाद आपका मसाला तैयार हो जाने के बाद बाकी का काम आएगा। डोसा बनाने के प्रक्रिया में आपको सबसे पहले चावल को पीसना होगा। चावल को पीसने के लिए आप अपना घर में जो मिक्सचर मशीन है, जो पीसने का मशीन होता है, उससे आप घर में ही चावल को पीस पाएंगे, पीस सकेंगे। चावल को पूरा बारीकी से पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आप हल्के पानी से मिक्स कीजिएगा भुने हुए चावल को। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये मशीन है डोसा मशीन, जो ऑटोमेटिक मशीन है, इसे आप बहुत अच्छा से बहुत कम समय में आप डोसा बना पाएंगे। इसे डोसा प्रिंटर भी बोला जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक डोसा मेकर है। इसके पिछले हिस्से पर एक होपर है। होपर में आपको पिसा हुआ चावल को डालना है और ये मशीन खुद ब खुद आपका डोसा रेडी करके देगा आपको। ये बहुत ही आसान तरीका है डोसा बनाने का। इसमें आपको मेहनत कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली डोसा बना के आपको ये मशीन दे पाएगा। बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा डोसा बना के देगा ये मशीन। इस मशीन का रेट भी बहुत कम है, जिसे आप आपका स्टार्टअप के लिए बहुत कम खर्चा करके आप ये मशीन खरीद पाएंगे। और ये इतना कड़क डोसा मसा डोसा बना के देगा आपको, खाने में बहुत क्रिस्पी होगा, बहुत मजेदार है ये इस मशीन से बनने वाला डोसा। और इसे आप बहुत आसान तरीका से धो भी पाएंगे। इसमें इसको आप सिर्फ खोलना है, इसको मशीन को मशीन के ऊपर के हिस्से को खोलना है, और बिना ज्यादा मेहनत किए आराम से इसे आप धो पाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बिना सब्सक्राइब किए और बिना लाइक, ये वीडियो को लाइक किए आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमारे जरिए अगर आपको पैसा कमाना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत पैसा कमा के देने वाले हैं। और अगर आपको पैसा कमाना है तो हम लोग के चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, राइट? तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी। समोसा, समोसा सभी को खाने में बहुत मजा आता है, पर समोसा बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। पर मैं आप लोगों के सामने ऐसा मशीन लेके आया हूं जिससे आप समोसा बहुत आसानी से बना सकेंगे और साथ ही साथ आप बिजनेस भी कर पाएंगे समोसे का। ये है डो मेकिंग मशीन। पहले हम अपने हाथों से आटा गूंदने का काम करते थे, पर अब ये मशीन आपको आटा गूंद के देगी बहुत ही आसान तरीके से।
इसमें आपको मिक्स करना है आटा, पानी और तेल। उसके बाद ये मशीन खुद से आपको आटा गूंथ के देगी। अगला मशीन है डो शीटर मशीन। ये मशीन आपको आटे का शीट बना के देगी ताकि आपको समोसे का पट्टी बनाने में आसानी हो। इसी का जैसा फिर आपको शीट ऑटोमेटिक शीट बना के भी देने वाली मशीनें हैं। जैसे इस मशीन से आपको ऑटोमेटिक मशीन में आपको डो को भरना है और उसी से आपका शीट तैयार, शीट भी तैयार और उससे पट्टी भी तैयार होके निकलेगी मशीन के द्वारा। और साथ में आपको ये भी बता दूं मैं कि आजकल ये भी बिजनेस चल रहा है पट्टी बनाने वाला। पट्टी बना के आप होटल में डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत यूनिक बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके बाद आता है समोसे के अंदर जो सब्जी होता है उसको तैयार करने में बहुत समय चला जाता है और उस ऊपर के छिलके को छिलने में भी बहुत समय लग जाता है। तो ये पोटैटो पीलर मशीन से आप कोई भी सब्जी का, किसी भी सब्जी का आप छिलका आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से निकल जाता है। इसमें जस्ट पानी भरना है और थोड़ा 2 मिनट के लिए आप रख देना है तो उसका छिलका निकल जाता है। इसमें जैसे आलू देखिए कितना साफ तरीका से निकल गया है उसका छिलका। उसके बाद इसमें प्याज का भी कर सकते हैं, कोई भी सब्जी का आप छिलका निकाल सकते हैं इस मशीन के द्वारा। और अब आता है वेजिटेबल कटर मशीन। ये मशीन से आप कोई भी सब्जी, किसी भी सब्जी को बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बढ़िया से इसको सब्जी को काट सकेंगे इस मशीन के द्वारा। आपको जितना भी जिस साइज में काटना है उसी प्रकार में, उसी साइज में काट सकेंगे। कुछ भी सब्जी को आप आराम से काट लीजिए इस मशीन के द्वारा। बिना मेहनत किए आपको सब्जी को डालना है ऊपर और कट के निकल जाएगा। उसके बाद आपको सब्जी फ्राई करना है। फ्राई करके उसी पट्टी में जो हमने बनाया था वो पट्टी पे आपको फिल करना है और उसे फ्राई करना है, डीप फ्राई कर देना है तेल पे। तब आपका समोसा तैयार हो जाएगा। ये मार्केट में बिकने के लिए रेडी है ये समोसा। आपको मैं उसके बाद भी एक और मशीन दिखाता हूं। इसमें आपको अलग से शीट नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें आपको ऑटोमेटिकली पट्टी डायरेक्टली बन के आ जाएगा। इसमें शीट बन के खुद से खुद ब खुद पट्टी भी बन के रेडी हो जाएगा। और मैं अभी आपको जो मशीन दिखा रहा हूँ ये फुल्ली ऑटोमेटिक समोसा मेकिंग मशीन है। इसमें आपको अलग अलग सेक्शन मिलता है, जिसमें आपको सब्जी डालने का एक सेक्शन है और गुना हुआ आटा डालने का एक मशीन सेक्शन है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये मशीन खुद ब खुद समोसा तैयार करके निकाल देता है। अभी आपको समोसा तेल पे फ्राई करना है और आपका समोसा तैयार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम सभी को जलेबी बहुत पसंद है, राइट? तो जलेबी, हम लोग जो जलेबी खाते हैं, हम लोग पूजा में, हम लोग कुछ फेस्टिवल्स हो या फिर कुछ भी ओकेजन हो, हम लोग जलेबी खाना बहुत पसंद करते हैं, हम इंडियंस, राइट? तो जलेबी बनाने का तरीका अभी ट्रेडिशनल वे में ही, ट्रेडिशनल जो पुराना जमाना में, पुराने ज़माने में जैसे जलेबी बनाते हैं हाथों से, अभी उससे थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं इंडियंस। तो आप लोगों को भी जानना चाहिए जलेबी किस तरह से बनाया जाता है। और हम लोगों के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिले आपसे, हम भी अपना चैनल को ग्रो करने के लिए हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाने, ये जो दिखा रहे हैं, ये जो जलेबी बनाने का मशीन है, ये बहुत छोटा मशीन है, ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें एक आदमी का ज़रूरत पड़ता है और एक आदमी ही इसे मतलब चला पाएंगे। इसे डायरेक्ट मिक्सचर्स को आप ऊपर से डालिएगा हॉपर पे और ये ऑटोमेटिकली आपका जलेबी बना के देगी। और तेल में, डायरेक्टली तेल में इसे फ्राई करके, फ्राई करने के बाद निकाल पाएंगे आप इस मशीन के द्वारा।
और इस मशीन में आप सिर्फ जलेबी नहीं और दूसरा इमारती भी बना सकेंगे और बहुत इमारती भी बना सकते हैं जैसे इस अभी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े बड़े साइज के जलेबीज भी बना पाएंगे इससे। और अभी आपको जो दिखाने जाएंगे, हम अभी जो दिखा रहे हैं मशीन, ये मशीन में आपको फुल्ली, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपको मिक्सचर्स को डायरेक्ट होपर पे डालना है और ऑटोमेटिकली ये आपका जलेबी बना के देगी ये मशीन। देखिए किस तरह से आपको जलेबी बना के दे रही है ये मशीन। सेम साइज का बनेगा इस मशीन से, थोड़ा भी अलग साइज का नहीं बनेगा और जिस तरह का आप शेप देना चाहते हैं उस तरह का शेप दे पाएंगे इस मशीन के द्वारा। ये काफ़ी मज़ेदार मशीन है, बहुत ही अच्छा मशीन है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है और आप इसे आप समझ जाइए, इसे ये बहुत बड़ा मशीन नहीं है, ये बहुत छोटा मशीन है, इसे आप आराम से इस मशीन के द्वारा आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस को अच्छी तरह से एक अच्छा जगह पे लेके जा सकते हैं, अपना बिजनेस का एक अच्छा लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं इसे, इस मशीन के द्वारा। ये आपको अभी जो दिखाने जा रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपका चार डाई है, चार डाई से आपको मशीन, ये मशीन बना के देगी। अभी जो बना रही है जहांगीरी बना रही है इमारती, ये देखिए किस तरह से आपको जैसा आपको शेप देना है अनलिमिटेड आप शेप दे पाएंगे इस मशीन के द्वारा। और इसमें चार डाई है, चारों डाई में अलग अलग से आप शेप दे सकते हैं, अलग अलग से शेप दे के अलग अलग से आप बना सकते हैं। ये अभी जो बना रहे हैं कोबा जहांगीरी बना रहे हैं, देखिए किस तरह से, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपको कुछ भी मेहनत का ज़रूरत नहीं है, मिक्सचर को डालना है काफ़ी और आपको इसमें आपको डायरेक्टली आपको बना के देगी जलेबी जैसे अभी इस तरह से बना रही है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपको ये प्लेट में, ऊपर में प्लेट होता है, प्लेट में आपको शेप देगी और नीचे आपका ऑटोमेटिकली इसे तेल में उबाल कर आपको जलेबी निकाल के दे सकती है। ये आपको डबल हार्ट वाला मतलब आप कुछ भी शेप दे सकते हैं, अभी ऐसे जैसे ये अभी दिखा रहे स्क्रीन पे ये डबल हार्ट वाला मशीन मतलब जलेबी बना के दे रही है। ये देखिए आप इस तरह से, ये देखिए कितना सुंदर से, ये बहुत अच्छा तरीका है ये जलेबी बनाने का और इसमें आपको बहुत काफ़ी मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और आपको बहुत कम समय में बहुत सारा जलेबी बना के देगी और आपका बिजनेस को चार चांद लगा देगी, बिजनेस को बहुत आगे ग्रो करने के लिए आपको बहुत मतलब सुविधा होगा, बहुत आसान होगा, इसे आपको बिजनेस में आपको अप्लाई करना चाहिए ये मशीन को खरीद के। ये देखिए किस तरह से डायरेक्टली मशीन खुद से बना के जलेबी बना के तेल में उबाल कर आपका खुद से मतलब पका के दे देती है ये मशीन, कुछ भी शेप दे सकती है, अनलिमिटेड शेप है इसमें, आपको अनलिमिटेड शेप देने मिलेगा इसमें, कुछ भी प्रकार का शेप, किसी भी प्रकार का शेप को आप आराम से अपना बिजनेस में ये ग्रो करने के लिए बहुत ही काफ़ी मज़ेदार होगा आपका बिजनेस को। काफ़ी ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी नया नया बिजनेस आइडियाज़, नया नया टेक्नोलॉजी का, नया नया टेक का बिजनेस मतलब आपको मशीनरीज दिखाते हैं, रोबोट्स दिखाते हैं। तो इसको लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।